हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब 1945। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स न्यू इन अ लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स एटॉमिक बॉम्ब 1945। सो व्यूवर्स, लास्ट टाइम जो आपसे बात हुई थी कि जापानीज फोर्स ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक एयर स्ट्राइक किया था ऑन द पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिकन नेवल डीप सी जो है वो नेवल बेस था, और वहाँ पर अटैक हुआ, और अटैक के नतीजे में एज अ रिज़ल्ट मोस्ट ऑफ द सेलर्स दे वर डाइड। बहुत से उसमें सेलर्स जो थे वो जो है ज़ख्मी हुए, और अमेरिका को संभलने का मौका ही ना मिल सका, और जैपनीज ट्रूप्स ने इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया और एक इतना डेविस्टेटिंग अटैक था कि अमेरिका को संभलने का मौका ना दिया, और इस 2 घंटे की लड़ाई में उन्होंने बहुत सा नुकसान अमेरिका का कर दिया था। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे दे वर पार्क देयर एंड दे वर डिस्ट्रॉयड बाय द जैपनीज एयरफोर्स। सो दैट वॉज अ ह्यूज लॉस टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जाहिरी बात है कि जब इतना बड़ा लॉस हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वो फाइनली फैसला किया कि अब हम, क्योंकि हमने वॉर डिक्लेयर कर दी है अगेंस्ट दी स्टेट ऑफ जापान, सो अब हमें वक्त आ गया है कि अपने वो सरप्राइज जो दुनिया को हम बता रहे हैं फ्रॉम द लास्ट मैनी डेज के अमेरिका जो है अब सरप्राइज देगा, उस सरप्राइज का टाइम आ गया है। सिक्योरिटी एंड टेनियन आइलैंड। टेनियन जो है ये बेसिकली एक पैसिफिक मेरीना आइलैंड्स के पास एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं मेरीना, जो है बेसिकली एक कुछ जजीरे हैं जो कि आपको पैसिफिक ओशन में मिलते हैं, वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। वहाँ पर अमेरिका का जो 509th स्क्वाड्रन जो है, या जिसको हम जो है 58th विंग भी कहते हैं, ये स्क्वाड्रन वहाँ पे जो है अमेरिका ने इसको जो है वो लोकेट किया। और इसकी स्पेशल बात ये थी कि वहाँ पर B-29 जो थे दे वर पार्क देयर, और B-29 एयरक्राफ्ट जो है वो वहाँ पर उन्होंने जो है उस एयरबेस पे आइसोलेट करके एक साइट पर जो है उन्होंने पार्क किया हुआ था। अब या इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड की गई थी इन एयरक्राफ्ट को कि अगर वहाँ पर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन भी जाता है तो वो उसको भी जो है फाइनली उसको मारने का हुक्म था, शूट आउट करने का हुक्म था। इवन के किसी को ये नहीं पता था कि ये जो B-29 एयरक्राफ्ट हैं जो यहाँ पर पार्क्ड हैं, इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है, क्यों अमेरिका ने जो है इस आइलैंड पे इतना ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है सब निज़ाम, और इसको जो है कॉर्नर में जो है इन एयरक्राफ्ट को पार्क किया हुआ है। इवन के किसी को नहीं पता था एट दैट टाइम। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये जो एटॉमिक बॉम्ब का जो कॉन्सेप्ट है ये सामने आता है तो सारे दे वर ऑल शॉक्ड, सारे लोग जो हैं वो शॉक्ड हो गए ऑल ऑफ सडन कि ये हो क्या रहा है इस वक्त। तो एक जो है वो टीम तश्कील दी गई, और जिसमें जो है जो मरकजी किरदार था दैट वाज पॉल टिबल्ट्स, और जो कि कमांडर था, इसके अलावा रॉबर्ट था, इसके अलावा थॉमस, देन मोरिस एक्सेट्रा। तो कुछ लोग इसमें जो हैं वो को पायलट, देन नेविगेटर, बम्बाइडर, देन वेपन टेस्ट ऑफिसर, एंड जो मेन ड्यूटी थी या जिसके पास जो सुपरविजन कर रहे थे वो कर्नल पॉल टिबेट्स थे जो कि कमांडर था, और कमांडर को जो है वो बेसिकली इन तमाम की कमांड जो है वो कर रहे थे, और इन सब लोगों को सुपरविजन जो है वो कर रहे थे, और उनको बताना था कि हमने बेसिकली इस पूरे वेपन को जो है वो कहाँ पर ड्रॉप करना है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये अभी तक इस चीज़ को सीक्रेट रखा गया, राज रखा गया था, सिर्फ पॉल टिबेट्स को ये पता था कि हम लोग एक एटॉमिक बॉम्ब जो है वो कैरी करने जा रहे हैं। अब प्रिपरेशन हुई, और ये आपके सामने जो आप राइट साइड पे जो है वो एक फुटेज देख रहे हैं, इसके अलावा डाउन साइड आप देख लीजिए, यहाँ पर भी एक फुटेज आप देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्रू मेंबर्स ऑफ द एनोला गे। एनोला गे जो था बेसिकली एक एयरक्राफ्ट था जो कि B-29 एयरक्राफ्ट जो है इसको डिज़ाइन किया गया था, और उसका नाम रखा गया था एनोला गे, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे उसके लिए इस्तेमाल किया गया था। देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
एक एंगर मोड था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और द पर्ल हार्बर अटैक, मैनहैटन प्रोजेक्ट वो फाइनलाइज, मैनहैटन प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली फाइनलाइज कर लिया गया था। दो अटोमिक बॉम्ब्स हमारे पास आ गए थे, वन वॉज लिटिल बॉय एंड द अदर वॉज फैट मैन। देन फर्दर आप देखें तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट वर्कड ऑन दिस मैनहैटन प्रोजेक्ट, लिली हॉरिंग, जिसका कहना था कि नो क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। उसको ये पता था कि हमने एटॉमिक बॉम्ब तो बना दिया है, लेकिन इसके बाद अब हम दुनिया का जो फ्यूचर है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, उसके बारे में कुछ सवाल हम नहीं जो है वो रेज कर सकते क्वेश्चन, और हमारे पास आंसर्स भी नहीं होंगे कि हमें नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। वी विल सी देन। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन जापान 1945 में जो है अमेरिका ने उसको जो है वॉर डिक्लेयर कर दी। जुलाई 26, 1945 बॉम्ब अराइव्ड ऑन टिनियन आइलैंड, देन ऑर्डर टू लॉन्च एन अटैक। 26 जुलाई को 1945 एटॉमिक बॉम्ब जो है वो टिनियन आइलैंड पहुंचा दिया गया, लेकिन इससे पहले फर्स्ट पम्पकिन बॉम्ब्स एंड फायर बॉम्बिंग। देखिए पम्पकिन बॉम्ब्स एंड फायर बॉम्बिंग्स मीन्स कि आपने जापान के ऊपर जो है सबसे पहले कोशिश की गई कि आप उन सिटीज़ को टारगेट करें, वहाँ पर जो है आप जापान को आप बार बार आपने वार्निंग्स दी, उनको टारगेट किया कि शायद वो इससे डर जाएं और अपने जो है वो ट्रूप्स जो है उनको ऑर्डर करें कि आप लोग सरेंडर हो जाएं। लेकिन हमने देखा कि इन सिटीज़ में ओवरनाइट बॉम्बिंग होती रही और इसमें जो है लाखों लोगों ने जो है वो हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ पीपल दे लॉस देयर लाइफ, इनकी जो डिफरेंट सिटीज़ थी। देन एट मिडनाइट 2:45 AM अगस्त 6, 1945 एनोला गेट डिपार्टेड, और कहा जाता है कि 15,000 टन्स ऑलमोस्ट जो बॉम्ब है उसको जो है उसने कैरी किया, इतना वज़न उसका जो है वो वेट था, एक मास था। कर्नल पॉल टिबेट्स जो है उस वक्त जो है उन्होंने इस बात को जो है वो अपने क्रू को बताया कि वी आर कैरिंग एन एटॉमिक बॉम्ब। तो तमाम जो क्रू मेंबर्स थे वो हैरान हो गए कि हम एक कितनी डिजास्टर्स चीज़ जो है वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। एट 7:30 AM टिबेट्स ने जो है कन्फर्म किया, एक टी शेप ब्रिज था, दैट द टारगेट दैट बॉम्ब शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम 36,000 फीट और हिरोशिमा। 7:30 बजे के करीब जो है टिबेट्स ने कन्फर्मेशन दी कि हमने एक टी शेप ब्रिज को उसने जो है टारगेट किया, और उन्होंने कहा कि हमने 36,000 फीट से इस जो है बॉम्ब को ड्रॉप करना है जो कि हिरोशिमा पर जो है हमने इसको गिराना है। 8:50 AM बॉम्ब फाइनली ड्रॉप्ड एंड दैट टुक 45 सेकेंड टू रीच एट 1,800 फीट। अब देखिए कि कितना इसका आप एक वज़न चेक कीजिए व्यूवर्स कि 8:50 AM मॉर्निंग टाइम ये बॉम्ब जो है वो ड्रॉप किया गया, और बॉम्ब ने 36,000 फीट से इसको ड्रॉप किया, जिसने 1,800 फीट तक आते आते जस्ट 43 सेकेंड्स लिए। अब आप ज़रा इमेजिन कर लीजिए, इट द बॉम्ब टुक 43 सेकेंड्स टू रीच 1,800 फीट। ये बहुत कम टाइम है कि आप ये देखिए कितनी तेज़ी के साथ, कितनी स्पीड, कितनी जो है वो इंटेंसिटी के साथ वो जो है वो बॉम्ब जो है नीचे गिर रहा था, और फाइनली जब बॉम्ब जो है 800 फीट पर पहुंचता है तो उसको ब्लास्ट कर दिया गया। और फिर टिबेट्स ने कहा कि बॉयज़ यू हैव ड्रॉप्ड द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब इन हिस्ट्री, आपने दुनिया की तारीख में पहला एटॉमिक बॉम्ब जो है वो गिरा दिया है आज। देन ऑन द इवनिंग ऑफ अगस्त 6, 1945 जापानीज़ वाज़ स्टिल फाइटिंग द वॉर, आफ्टर 3 डेज US ड्रॉप्ड द सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब, दिस टाइम ऑन नागासाकी नेम्ड एज फैट मैन। जब हिरोशिमा का टारगेट किया गया तो उसके 3 दिन बाद, क्योंकि जापानीज़ जो है वो अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सेकेंड बॉम्ब जो है जो फैट मैन था उसको जो है नागासाकी पर ड्रॉप किया। द रीजन टू अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी वॉज दैट बोथ सिटीज वर क्रूशियल फ्रॉम मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि दोनों जो हैं एक इकोनॉमिक हब भी
थी दोनों सिटीज, और मिलिटेरिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सिटीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी। आफ्टर फ्यू डेज जापान फाइनली सरेंडर्स अनाउंस्ड बाय द एम्परर हिरोहोती। जापान के जो एम्परर थे उन्होंने फाइनली जो है ये इस बात का ऐलान किया कि जापान जो है फाइनली सरेंडर कर रहा है। अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि ये यूरेनियम बॉम्ब थे जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया, और कहा जाता है कि इसका जो एक एक इसकी जो पावर है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 15,000 टन्स ऑफ टीएनटी, टीएनटी एक एक्सप्लोसिव है, तो इसको इक्विवेलेंट ऑफ टीएनटी एक्सप्लोसिव के करार दिया गया है। इतनी ज़्यादा पावर थी इस बॉम्ब की, ऑलमोस्ट 70% जो है लोग जो हैं वो जल गए, बिल्डिंग्स तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, और एक एस्टिमेट लगाया गया 1,40,000 जो लोग हैं और इससे जायद जो लोग हैं बेसिकली वो इसमें जो है बाय द एंड ऑफ 1945 उनकी डेथ हुई। कैंसर और दूसरी अदर जो बीमारियां हैं वो भी डेवलप इससे हुई, और इसके साथ जो है आप ये देख लीजिए कि जब इस बॉम्ब को गिराया गया तो जो ग्राउंड टेम्परेचर था वो 4,000 सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंच गया। 4,000 सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये देख लीजिए कि आज के दौर में अगर एक टेम्परेचर जो है वो 45 सेंटीग्रेड होता है या 30 प्लस में भी हो जाए तो हमसे गर्मी जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। उस वक्त जब ये बॉम्ब ड्रॉप किया गया तो जो लैंड था, लैंड जो सरफेस थी उस वक्त 4,000 जो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर उसका पहुंच गया था। दैट वॉज दी क्रू, ये वो क्रू था, और ये आपके पास वो पिक्चर है B-29 की जिसके थ्रू जो है एक स्पेशल डिज़ाइन किया गया जहाज़ इस जो है वो काम के लिए, इस मिशन के लिए, और इसका नाम जो है वो रखा गया एनोला गे। ये वो जहाज़ था जिसने जो है जापान की ये जो दो सिटीज़ थी इनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था। अगर आप इस एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड मज़ीद पढ़ना चाहते हैं या इसको समझना चाहते हैं तो एक सर्वाइवर जिनकी जो है वो स्टोरीज़ बहुत कॉमन हैं, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगी, और ये सासामोरीज स्टोरी, और ये वो पर्सनैलिटी हैं जो कि जो है अकॉर्डिंग टू हर जो कि जिन्होंने सर्वाइव किया इसमें। वैसे तो सर्वाइवल बहुत से लोगों ने सर्वाइव किया लेकिन शी वॉज वन ऑफ देम जिन्होंने अपनी जो है वो आंखों देखा हाल बताया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनका जो फेस है ये बहुत सारी सर्जरीज के बाद इनका फेस जो है दोबारा जो है इसको रीडिज़ाइन किया गया, और सर्जरी के बाद इनका जो फेस है अब इस शेप में आपको नज़र आ रहा है। इससे पहले जो इनका फेस था वो जल चुका था और बहुत जो हालत थी इनकी एक गैर हालत थी। तो अगर आप मज़ीद इस पे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप सासामोरीज जो है इसको आप इनको पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी आपको आसानी के साथ अवेलेबल है लिटरेचर, गूगल में भी आप इसको सर्च कर सकते हो। सो व्यूवर्स, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको करना ये है कि यूट्यूब पर मेरा चैनल एम डॉट अब्दुल्ला एजुकेशन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो टाइम पर मिल सकें। बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा आप अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक ऑन योर क्वेश्चंस। सो आई एम वेरी होपफुल कि आज के लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।